ततारपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार तड़के करीब 3:30 बजे शादी के विदाई समारोह के दौरान महिलाओं से अभद्रता के साथ ही उन्हें अगवा करने के प्रयास किए गए। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि 15 से 20 गाड़ियों में लाठी, फरसी और बंदूकों से लैस होकर आए करीब 50 बदमाश कुछ महिलाओं को अगवा करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें रोका गया तो हथियार चले और फायरिंग भी हुई। 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 गंभीर घायलों को अलवर जिला अस्पताल लाया गया। वहीं 1 गंभीर घायल को जिला अस्पताल से जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। शादी में शामिल घायल गिरधारी लाल चौधरी ने बताया कि उनके साड़ू जले सिंह चौधरी की 2 पुत्रियों की शादी थी। 3 दिन पहले दोनों युवतियों का लग्न लेकर ततारपुर गांव लौटते समय भी साड़ू जले सिंह के बड़े भाई के भांजे ने महिलाओं के साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया था। सूचना देने पर ततारपुर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। उधर शुक्रवार तड़के फेरे संपन्न होने के बाद विदाई समारोह चल रहा था। इसी दौरान आरोपी अशोक चौधरी और उसके साथी हथियार लेकर घर में घुस गए। साथी महिलाओं को जबरन साथ ले जाने का प्रयास किया। जब रोका गया तो मारपीट एवं हवाई फायर किए गए। बाद में बदमाश फरार हो गए। गंभीर घायल रामस्वरूप जाट का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। वहीं कैलाश जाट को जयपुर ले जाया गया। शेष घायलों का उपचार ततारपुर PSC पर चल रहा है। घटना जैसे लगन लेके जा रहे थे, हमारे साडू की बच्ची थी जले सिंह की, तब उन्होंने आती समय बस में ड्रिंक कर रखी थी। ड्रिंक की समय उसको लड़कियों को छेड़ा, जब उसको मना किया। कहां से कहां गया था लगन? ये लगन गया था अपने चौराया से, ततारपुर चौराया से तारपुर गया था, और तारपुर से वापसी आने की समय किसी ने खींचातानी की, तो हमने वहाँ इसको शांत कर दिया। कौन था उसने महिलाओं में? ये था जैसे बच्ची का पापा है, उसका भांजा है अशोक भाई का भांजा। हाँ, और जैसे उसका लड़कियों का पिताजी है, उसका भाई है एक रोहतास, और उसके लड़के हैं जय सिंह है उसका भाई एक, और उसके बच्चे हैं, और इनके भांजे हैं जैसे चौराया के हैं, और ये जो बड़ली की डाणी है, यहाँ की घटना है ये, और यहाँ के लोग भाग हैं, और इन्होंने साथ आके ये जैसे अब उनको मना कर ही दिए थे। अब ये कल शादी जैसे संपन्न होने वाली थी, जब शादी फेरे हुए सारे कंप्लीट हो गए, जब उसकी साथ अशोक की साथ 50 से 60 लोग थे, और जैसे लड़कियों को उठा के भागने लगे, थोड़ा थोड़ा जबरदस्ती करने लगे, और उसके पास सरिया, लाठी, डंडे, फरसी, टांचिया, कुवाड़ी, और जैसे हमने छुटाने की कोशिश करी तो फरसी, लाठी, डंडू के हमारी भी मारपीट जो भी आया उसी को देते गए, भागते गए, फिर लास्ट में वो बंदूक फायरिंग करते करते रोड पे भाग गए। ऐसे करते करते हमने बहुत मुश्किल से बचाए। इसमें कम से कम 20 लोग घायल हैं, 10 से, जिसको 2 को तो अस्पताल भर्ती करा दिया अलवर जिला, और इसको 1 को तो जयपुर रेफर कर रहे हैं। अब ये घटना यहाँ ततारपुर चौराया की है। लड़की की माँ तो खाट में पड़ी है, कैंसर है उसके, तो जो ऑपरेशन भी कई हो चुके, वो तो घायल है 1-2 दिन का ही खेल मान लो ज़्यादा से ज़्यादा। लड़की का पापा है जो इतना सा यह टेक फटेक आया हुआ है, जो वो अभी नहीं है काम का आदमी। ऐसे गरीब आदमी हैं, मिलजुल के लोग बाग रिश्तेदारी शादी कर रहे हैं। ये जले सिंह की बच्चियों की शादी थी? जले सिंह की बच्चियों की शादी थी। उसका जो भाई है और उनके जो बच्चे हैं, भांजे हैं, वो कहाँ है? वो लोग वो जैसे गाड़ियां ले लेके फिर भग गए, बाहर हायरिंग करते गए और भागते गए। अभी जो नाम, सब क्या नाम है उसका, जले सिंह के भाई का? रोहतास। रोहतास और उसके परिवार के लोग कहाँ? वो तो लुक गए, रात को जाके भग गए। वो पुलिस ने इस पूरे मामले में, पुलिस को 1-2 दिन पहले भी सूचना की थी, जो पुलिस वाले बोले संभाल लेंगे हम, ऐसी कोई बात नहीं, गाड़ी खड़ी कर देंगे, फेरा होंगे, जब तक कोई ऐसी कोई बात नहीं है। और ये घटना है जैसे रिश्तेदार पैसे लगा के भाई इसकी लड़की निकल जाए, वो बोला उधर दो उधर दो, तो ऐसा उसने किया नहीं, पर वो इस मामले की वजह से उसके ऊपर जल्द भी ज़्यादा रहे थे। फिर रिश्तेदारों को भी जैसे लाठी डंडों से, सरियों से, टांचियों से, कुहाड़े से, इनसे काटा है बहुत बुरी तरीके।